मेरे बाबू ठीक तो हो जाएंगे ना? बेटा भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे यार गले चले जा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन तक ये मूवी पहुंचे। अब इसको क्या हो गया मनुष को? इसको जल्दी से ले, ये मेरा काम भी बंद कराएगा। ले जा मनुष को। सभी आर्टिस्टों ने बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की है, और हमने कोशिश की है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक कि मूवी पहुंचे। अंशित जी, आखिरी आज मूवी की मैं बात करूं तो इससे सुंदर मैसेज हमारे देश में कोई भी फिल्म मेकर दे ही नहीं सकता। इसी तरह से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहो, इस तरह की फिल्में समाज के सामने लाते रहे। आज जो प्रीमियर हुआ बहुत अच्छा हुआ और कामयाब हुआ है। केसर जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके माध्यम से लोगों के बीच में एक प्रेरणा जाएगी। आखिरी आज शॉर्ट मूवी जो है SCPVR में प्रीमियर है वो दिखाया गया है, और YouTube पर आप तमाम लोग भी सुमन केसन प्रोडक्शन में ये मूवी देख सकते हैं। अरुण केसर जो कि कटरा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा इसमें मुख्य किरदार निभाया गया है। ओम एम रीम क्लीम चामुंडा बीचे ओ पद्म तालियां दीजिए जोर से एक बार, छोटी गुड़िया हमारी कनन, तालियां जोर से एक बार इनके लिए। उसके बाद अंकुर जी, इन्होंने इसमें रोल किया, मेरा भाई छोटा, तालियां एक बार इनके लिए जोरदार। सर ने प्यार दिया और इस समय जो है हमारी, थैंक यू सो मच। हो गया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे पहले SDM और अभी असिस्टेंट कमिश्नर, बड़ी जल्दी हमारे DC बनने वाले हमारे अग्नि सिंह मनकोटिया साहब, मेरे भाई, तालियां जोर से होनी चाहिए एक बार। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। राजा जी, आपने इतना प्यार सपोर्ट दिया, हालांकि मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करना। मैं आई एम नॉन आर्टिस्ट, नॉन एंकर, नॉन एक्टर, नॉन प्रोड्यूसर, मैं बस ही पागल जिहा बंदा नहीं है, पंगे लैना तो वो पंगा जरा सॉल्व हो जाता माता जी कृपा ना, तो थोड़े वीर की सपोर्ट के नाल, तो तुम शिंदा जी भी बहुत सपोर्ट की, हूँ शिंदा जी मूवी सपोर्ट करना आयो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ ब्रदर्स, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। अगर ये जो शॉर्ट फिल्म जो है ये जो PVR में अगर ये रिलीज हो रही है और ये अपना 70 mm पे आ रही है, सेंसर बोर्ड पास होके यहाँ फ्लोर तक पहुँच गई, क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स मंजी को मेरे बड़े भाई हैं कटरा से हैं और डिस्ट्रिक्ट DGP के वो रियासी के प्रेसिडेंट हैं, बहुत सरल स्वभाव के इंसान हैं और उनका हाथ मेरे सिर पर था, तो ये जो मूवी है उनकी वजह से यहाँ पर आई है और उन्होंने पूरी कोशिश की एज ए ब्रदर भी और एज ए अपकमिंग MLA भी। उन्होंने नमस्कार, मेरा नाम दरुण केसर DK है और मैं एक एक्टर हूँ, एक मूवी लेके मैं आया हूँ जिसका नाम है आखिरी आस, आयुष्मान भारत जन औषधि। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ये दो दीन तो भेंट जो कह सकते हैं, देन कह सकते हैं, एक वरदान कह सकते हैं पूरी आवाम के लिए, जनता के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि जो लोग आयुष्मान का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हमने ये मूवी बनाई है आखिरी आस। मैक्सिमम लोग इस चीज़ का फायदा ले चुके हैं क्योंकि इस कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद आपकी बीमारी, कोई भी बीमारी जो होती है उसका इलाज जो है मुफ्त में किया जा सकता है और किया जाता है। 5 लाख तक की जो भी बीमारी है उसका इलाज जो है इसके अंडर आता है आयुष्मान कार्ड में। मेरी ये कोशिश थी कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बीड़ा जो उन्होंने उठाया आयुष्मान भारत का, उसमें थोड़ी सी एक सपोर्ट कर सकूं, एक अपना योगदान दे सकूं। जैसे राम जी का जब सेतु बना था तो एक गिलहरी ने भी अपना एक सपोर्ट किया था, छोटा सा कंकर देकर। मैं वही गिलहरी हूं अपने प्रधानमंत्री के आगे और वही सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मोदी जी के काम जितने भी हैं निराले हैं, वो एक शक्ति हैं और वो हमें प्रेरित करते हैं, हम अचंभित हो जाते हैं उनके उनके ओरा देखकर, उनके काम को देखकर, और हम उनको बड़ी बारीकी जो है उनको जो है उनको देखते हैं, उनको स्कैन करते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं और उसी इंस्पिरेशन उनको बनाकर इस तरह के काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि एज एन आर्टिस्ट, एज ए कलाकार, जो भी इंसान है वो काम वो करे जो समाज में कुछ एक आंदोलन लाए, एक जयघोष लाए, एक अवेकनिंग लाए। तो मैं एज एन एक्टर, मेरी ये कोशिश थी कि ये जो फिल्म है ये गवर्नमेंट पे बने, गवर्नमेंट के काम को सराहने के लिए बने और गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करे। आखिरी आस मूवी का नाम है और सुमन केसर प्रोडक्शन YouTube चैनल है, आप जाके उस मूवी को वहां जाके देख सकते हैं। आपको हमारा काम कैसा लगा आप ये वहां पर जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम सभी आर्टिस्टों ने बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की है, और हमने कोशिश की है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये मूवी पहुंचे
और हम ये बताना चाहते हैं भारत सरकार को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके काम से जो हम प्रेरित हैं और हम आपके काम के साथ हाथ से हाथ बढ़ाना चाहते हैं। केसी थिएटर में नौजवान डीके केसर जी और उनकी टीम, उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने आयुष्मान भारत को लेकर एक 45 मिनट की फिल्म जो है वो बनाई है। उस फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच में ये प्रेरणा दी गई है कि हम सबको आयुष्मान स्कीम के माध्यम से जो इंश्योरेंस कवर है, भारत सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2018 में जिसकी पूरे देश भर में शुरुआत हुई, लेकिन जब हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये स्कीम हर उस इंडिविजुअल के लिए उपलब्ध है। आप लोग भी जो यहाँ पर मीडिया बंधु मेरे साथ हैं, मैं खुद भी मेरा भी अपना आयुष्मान का गोल्डन कार्ड जो है वो बना हुआ है। और ये स्कीम नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस समय में दी थी कि देश भर में आम जनता जो है इलाज नहीं कराने के कारण, कहाँ दुर्लभ इलाज होता था, पैसे नहीं होने के कारण कुछ लोग जो थे हमारे बीच में से चले जाते थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबको पूरे भारतवर्ष में तो उन लोगों के लिए जो बीपीएल परिवारों से संबंधित हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन हर एक इंडिविजुअल को जो है इस सुविधा जो है वो दी गई है। मेरा मानना है कि केसर जी और उनकी टीम द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास है, आम लोगों को प्रेरणा दी गई है कि हम सबको इस स्कीम के माध्यम से इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और जगह जगहों पर आज मैं देख रहा हूं कि गंगाराम में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, वहां पर भी, और जम्मू कश्मीर में तो लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर ये स्कीम जो है उपलब्ध है। मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज रोहित महंत रोहित जी भी आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, विक्रम जी हैं, बाबा शर्मा जी हैं और हमारे पूर्व कारपोरेटर मनकोटिया जी भी। और बहुत अच्छा ये लगा कि भारी मात्रा में आज हमारे मीडिया से संबंधित बंधु भी इस मूवी को देखेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस मूवी को देखने के बाद हम सब लोगों को प्रेरित करें और ख़ास तौर पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इसका फ़ायदा जो है आम जनता को मिले। इसके लिए मैं केसर जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके माध्यम से लोगों के बीच में एक प्रेरणा जाएगी। पहले सुमन केसर प्रोडक्शन को बधाई देता हूं कि देखिए आप, सुमन केसर प्रोडक्शन जो है हर साल कोई ना कोई ऐसा कार्य समाज के सामने लाता है जिससे समाज को जागरूक किया जाए। अब जैसे आयुष्मान कार्ड की बात की जाए, कई लोगों को अभी तक नहीं पता कि आयुष्मान कार्ड का प्रोसेस क्या है। इस फिल्म के माध्यम से दरुण केसर जी ने बड़ा ही अच्छा अपना जो है रोल निभाया है इसमें और बताया कि आयुष्मान कार्ड, जो लोग अपना कार्ड बनाएंगे उनका 5 लाख का जो भी इलाज है वो आयुष्मान कार्ड के तहत किया जाएगा। और बड़ी ही बेहतरीन एक्टिंग सभी आर्टिस्टों ने, चाहे वो लड़की का रोल किया, माँ का रोल किया, राजेश अजनबी जी जो रियासी की हैं, और भी काफ़ी सारे आर्टिस्टों ने इसमें रोल किया, सभी ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से, सुभाष जम्वाल जी ने, मैं सारों को बधाई देता हूँ कि इसी तरह से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते रहो, इस तरह की फिल्में समाज के सामने लाते रहें। मेरा नाम कनन कौर है, मैं जम्मू की आर्टिस्ट हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मोदी जी ने जो स्कीम लॉन्च करी है आयुष्मान भारत, जिसे हम जन औषधि भी कहते हैं, तो ये जो स्कीम है इसका मेन मोटो हमें, हमारी मूवी में यही था कि हम उन लोगों को बता सके कि स्कीम से हमें कितना फ़ायदा होता है। जिन लोगों को बहुत गरीब हैं, बीमारी से लाचार हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए है ये कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, पहले आप अपना इलाज करवाएं, पहले आप अच्छे से तंदुरुस्त हो जाएं, बाद में आप लोग अपने फैमिली को भी खुश रख सकते हैं, खुद भी खुश रह सकते हैं। तो मेरी पूरी टीम, धरुण केसर जो हमारा प्रोडक्शन है, सुमन केसर, उस पर हमारी मूवी आ चुकी है आखिरी आस, जिसमें हमारे सब आर्टिस्ट हैं, तो आप सब जाएं, वो यूट्यूब पे आ चुकी है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन तक ये मूवी पहुंचे और
हम उनको यही बताना चाहते हैं कि हम भी उनके साथ हैं इस प्रोजेक्ट में। हम ऐसे ही जम्मू के आर्टिस्ट जैसे अपनी हर एक कल्चर को प्रमोट करते हैं, लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं और जो ऐसी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं उनको भी प्रमोट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, जाइए आप और हमारी मूवी को ज़्यादा सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम सुभाष जम्बाला है और मैं जम्मू का एक पुराना थिएटर आर्टिस्ट हूँ और आज KCPVR में हमारी एक फिल्म थी आखिरी आस, उसका प्रीमियर हुआ है और मैं DK जी को और अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो प्रीमियर हुआ बहुत अच्छा हुआ और कामयाब हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ये फिल्म जो है ये आयुष्मान कार्ड पे बनी हुई है और जो मोदी जी ने ये जो स्कीम चलाई है उसका फ़ायदा सभी लोग लें, उसी पे ये फिल्म थी। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर और सारे भारत के, वो इस कार्ड का सही इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। इस फिल्म में हमें कम से कम कोई 3 या 4 दिन लगे थे और दिन रात हमने काम किया था और सभी आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की थी और कटरा में इसकी शूट हुआ था। और सबसे बड़ी ये बात है कि इस फिल्म को कामयाब बनाने में जो DK जो धरुण केसर जी हैं उन्होंने बहुत मेहनत की थी। प्रोडक्शन में आप क्या कुछ देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों में जम्मू में क्या परिवर्तन आए हैं, यहीं पे प्रोडक्शन होने लगी है, शॉर्ट मूवी और मूवीज बनने लगी? देखिए पहले जितने भी आर्टिस्ट थे या थिएटर के या बाकी वाले आर्टिस्ट थे वो सब जम्मू तक ही सीमित थे, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं वहाँ पाँव बसार रहे हैं और बहुत जल्दी आगे पहुँचने वाले हैं। अंशित जी, आखिरी आस मूवी की मैं बात करूँ तो इससे सुंदर मैसेज हमारे देश में कोई भी फिल्म मेकर दे ही नहीं सकता अगर हम सोशल अवेयरनेस की बात करें, क्योंकि आज भी हमारे देश में 70% से ज़्यादा लोग गरीब हैं और उनको मोदी प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है और अगर उनके पास है तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है उनको नहीं पता। और धरुण केसर जी ने जो ये मूवी बनाई है ये उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी जो लोग आज भी इस कार्ड को यूज करना नहीं जानते। अब इसको क्या हो गया मनुष को, इसको जल्दी से ले, ये मेरा काम भी बंद कराएगा, ले जाए इस मनुष को। जय माता दी, मेरा नाम अंकुर है और मैं कटरा से हूँ। तो इस सुमन केसर प्रोडक्शन से मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ। हमने सोशल पे काफ़ी मूवीज बनाई है, जल है तो कल है उस पर भी किया है, सफाई कर्मचारी पे भी किया हुआ है और आज हम जन औषधि पे एक मूवी लॉन्च की है जिसमें हम आपको जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड बनाया है उसके बेनिफिट्स हमने इस मूवी में दिखाए हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस मूवी को देखें और इसमें जो हमने मैसेज दिया है वो मैसेज को हर एक जगह शेयर करें और ये मूवी सबसे अच्छी है और बेस्ट है। तो हमें काफ़ी मज़ा आया, हमारी टीम ने काफ़ी सब वर्क किया, डे नाइट काम किया। इनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर धरुण DK जी हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, हमें भी उन्होंने ही सपोर्ट किया है और आप सबका प्यार चाहिए। आप जल्द से जल्द YouTube चैनल सुमन केसर प्रोडक्शन पर जाएं और हमारी मूवी को प्यार दें। कहाँ की स्टोरी बताई गई है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के ही एक गांव? हाँ जी हाँ जी, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही हमारा गांव है जो कटरा के पास में पड़ता है, वहाँ की ये रियल स्टोरी है जो वो हमने दिखाई गई। तो शूट भी सारा यहीं पे हुआ है? हाँ जी, ये कटरा में ही शूट हुआ है सारा, कटरा और रियासी।